الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبطف عل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وما توفيقي अलीम अल्लाह इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिस पाक ज़ात ने हम सब गुनागारों को बनी नौ इंसान में पैदा फ़रमाया और बनी नौ इंसान में पैदा फ़रमा कर अल्लाह इज़्ज़त ने हमें हज़रत महमद मुस्तफा, अहमद मुशतबा साहिब लौलाक शफ़ी मुजनबीन आलमीन ख़ातनबीजन हज़रत महमद मुस्ता अहमद मुशतबा सल्ला वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का शर्फ नसीब फरमाया और हमें जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए कामयाबी का रास्ता दिखाने के लिए हमारी फलाह के लिए हमें कुरान मजीद व फुर्क़ान हमिद जैसी अज़ीम किताब से नवाज़ा दोस्तों भाइयों अज़ीज़ों आज मैंने आप हजरात के सामने कुरानजीद की जो आया किमत रावत करने का शर्फ़ हासिल किया दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्ज़त मुझे इस पर हक़ बोलना नसीब फरमाए और मुझको और आप सबको इस पर अमल पैरा होने की तोफ़ी नसीब फरमाए अल्लाह रब्ज़त क़ुरान मजीद में इर्शाद फरमाता है فلما بلغ معه سعيا، قال يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. अब मतुमसत इनशा अल्लाह मिनसा फिर जब वो उसके साथ चलने के काबुल हो गया कहा ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे जबा करता हूं अब तू देख तेरी क्या राय है कहा है मेरे बाप कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है खदा ने चाह तो करीब है कि आप मुझे साबर पाएंगे ये था इस आया करीमा का तर्जमा हजरत ग्रामी ये महीना नाहत ही अजमत और मरतबे वाला है इसका चांद नजर आते ही हर कल्ब में उस अजीम उस शान कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है जिसकी मिसाल तारीख इंसानी पेश करने से कासर है यह महीना असल में उस जलील कदर पैगम्बर की यादगार है जिनकी जिंदगी कुर्बानी की अदीमालमिस तस्वीर थी ये जद्दल अम्बिया खलीलुला हजरत इब्राहिम अला नबीनवाल सलातम हैं आप अंदाजा फरमाए कि वह कौन सा इम्तहान है जो अल्लाह रब्ल्जत ने आपसे नहीं लिया मगर करोड़ हा करोड़ सलाम हो आपकी ज़ाते वाला सिफात पर ओ, के किसी मैदान में भी पाए सुबात को लग्जश नहीं आई दुनिया में अजीज दोस्तों बुजुर्गों और बच्चों दुनिया में दो ही चीजें अजीज होती हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत दो ही चीजों से होती है एक जान और दूसरी औलाद तो भाई और दोस्तों रजीजो नमरूद की जलाई हुई आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे खलीलुल्ला सलात सलाम को गोपिए में डालकर फेराया जा रहा है या मंजनीक के जरिए फेंकने की तैयारियां की जा रही हैं गफुर खुश है कि आज के बाद हमारे महबूदों को बुरा भला कहने वाला कोई नहीं होगा मुखालफ हमेशा के लिए खत्म हुआ चाहता है वो उधर हजरत जबरी हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाह के प्यारे खलील कोई हुक्म कोई हाजत हमारे लायक कोई हुक्म हो कोई हाजत हो तो आप बोल सकते हैं आपने फरमाया ऐ जिब्रील अम्मा इलाई का फाला तेरे साथ कोई हाजत नहीं फिर जिबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अच्छा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए कि मुझे आग में डाला जा रहा है आपने जो जवाब दिया सईदा इब्राहिम आला सलाम ने, ने जबरील को क्या जवाब दिया फरमाया जानता है वो मेरा रब जलील आग में पड़ता है अब उसका खलील फरमाया उससे क्यों कहूं क्या वो समीओ बसीर नहीं है यहां एक बात अकेले मैज ने भी कही होगी कि इब्राहिम जान बड़ी अजीज होती है जान बड़ी प्यारी होती है तो अक्ल बोली बड़ी शह जान है इश्क बोला यार पे कुर्बान है इश्क बोला यार पे कुर्बान है डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं बेखतर कूद पड़ा आतुशे नमरूद में इश्क बेखतर कूद पड़ा आतुशे नमरूद में इश्क अक्ल है मै लब्बे लब अभी अक्ल अभी तमाशा ही देख रही थी कि इश्क ने छलांग लगा दी इश्क ने छलांग लगा दी और अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया या नारो कूनी बरद सलामन अला इब्राह ए आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा जान के बाद फिर औलाद का मकाम आता है बे बे आबोग्याह पहाड़ियों का सिलसिला दूर दूर तक चला गया है सब्जा का नामो निशान तक नहीं अल्लाह का खलील अपने लखते जिगर हजरत इसमाइल सलाम को जो अभी वालदा की गोद में है उनकी वालदा हजरत हाजरा समेत उस वादी में छोड़े जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने अर्ज किया हजूर ये किस जुर्म की सजा है आप हमें इस वादी में तनहा किस वजह से फेंके जा रहे हैं? आपने कोई जवाब नहीं दिया हाजरा बोली क्या ये अल्लाह का हुक्म है तो आपने फरमाया हाँ ये अल्लाह का हुक्म है हाजरा बोली फिर हमें कोई गम नहीं अल्लाह ताला हमें जाया नहीं फरमाएगा कुछ दूर कर हाँ, कुछ दूर जाकर हजरत खील असलाम ने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए हुए अर्ज की रब्बना इन्नी असकंतु मिन जरियती بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون. يا امن رب मैंने अपनी औलाद एक वादी में बसाई है ऐ मेरे रब मैंने अपनी औलाद एक वादी में बसाई है जिसमें खेती नहीं होती तेरे हरमत वाले घर के पास ऐ हमारे रब इसलिए कि वो नमाज कायम रखें तू लोगों के दिल उनकी तरफ मायल कर दे और फल खाने को दे, दे ताकि वो एहसान माने हजरत खलील अलसलाम ने यहाँ तीन दुआ अल्लाह से मांगी नंबर एक उन्हें नमाजी रख अल्लाह पर नंबर एक दुआ की कि मैं इस वादी में इसलिए इनको बसाए जा रहा हूं जहां सब्जा नहीं होता जहाँ खेती नहीं होती सब्जे का नामो निशान तक नहीं दूर दूर तक पहाड़ों का सिलसिला चल गया है मैं इसलिए तेरे हरमत वाले घर के पास इनको बसाए जा रहा हूं ताकि ये नमाज इन्हें तो नमाज ही रख नमाज पढ़ते रहें दूसरे लोगों के दिल इनकी तरफ मायल कर दे तीसरे इन्हें फलों का रिज कता आप अंदाजा फरमाएं कि आज तकरीबन पांच हजार साल गुजर चुके हैं मगर इन दुआओं का असर अल्लाह अल्लाह जो फ्रूट दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता मक्का शरीफ में मौजूद है और कुलूब हैं के खींचे खींचे चले जा रहे हैं कुलूब है के सारी दुनिया के कुलूब उधर खींचे खींचे जा रहे हैं तो भाइयों दोस्तों अजीजों दुआ भी बहुत बड़ी इबादत है हुजूर सरवर कायनत फ़खरे वजूदात हज़रत महमद मुतफ़ा अहमद मुशतबा ताला वसलम नेलम ने ने इर्शाद फरमाया दुआ वो मुखल इबादा दुआ इबादत का मगज है अल्लाह ताला हर इंसान की पकार सुनता है पर वो देगा इर्शाद फरमाता है कराने मुजीद में इर्शाद होता है उजीबुदावत ईजादार हर पकारने वाले की पकार का मैं जवाब देता हूँ बल्कि हदीसे कुदसी है हदी से कुछ ही है कि मेरा बंदा मुझे एक मरतबा या अल्लाह कहे तो मैं सत्तर मरतबा कहता हूं का या कया अबदी लबई या अब्दी ऐ मेरे बंदे में मौजूद हूँ ऐ मेरे बंदे में मौजूद हूं मैं तेरी पकार सुन रहा हूं मांग क्या मांगता है एक मरतबा बंदा सिर्फ या अल्लाह कहता है तो सत्तर मरतबा मेरा अल्लाह कहता है लबई का या अब दी लबई का या अब दी लबाई का या अब दी अः बंदे में मौजूद हूँ मैं तेरी पुकार सुन रहा हूँ मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा तो भाई हो दोस्तों रजीजो जब आदमी अल्लाह ताला को पकारता है तो अल्लाह तला मलाया को फुरमाता है देखो ये मुझे बुला रहा है ये समझता है कि मेरे बगैर इसका कोई नहीं मैं ही इसकी मुश्किल को दूर करने वाला हूं मैं ही इसकी हर आरजू पूरी करने वाला हूं कर सकता हूं अगर मैं इसकी हाजत पूरी ना करूं अल्लाह मलाइका से है ये बातें अगर मैं इसकी ये हाजत पूरी ना करूं इसकी हाजत पूरी ना करूं तो ये समझेगा कि मेरा कोई खुदा नहीं तो इसकी अर्ज पूरी हो जाती है इसकी दुआ कबूल हो जाती है पूरी हो जाती है अलबत् इसका नतीजा कभी अल्लाह ताला जल्दी जाहिर फरमा देता है और कभी जरा देर में ये तो आम लोगों की दुआ है और अल्लाह ताला के जो मकबूल बंदे होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं जो अल्लाह के प्यारे होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं उनकी दुआ तो अल्लाह ताला कभी रद्द फरमाता नहीं उनकी दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं मेरे भाई और मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों काजी स्ना पानीपति रहमत अपनी तफसीर मजहरी में एक वाकया लिखा है कि हजरत मजद्द अल्फसानी अला रहमा के दो मुल्ला तय लोरी के पास इलम हासिल करते थे ये वाक तफसीर मजहरी में काजी इसल पानीपति ने लिखा है कि एक मरतबा आपने अपने लड़कों को फरमाया जदत अल्फसानी ने अपने लड़कों को एक मरतबा फरमाया तुम्हारा उस्ताद शक्की यानी बदबख्त है उसकी पैशनी पर लिखा है कि ये शक्की है साहबजादों ने अर्ज की देखो जो अल्लाह वाले हैं उनकी नजर अंदर तक जाती है वो पैशनी देखकर समझ गए कि ये शक्की और बदबख्त है आम लोग नहीं समझ सकते थे कोई नहीं समझ सकता है लेकिन जो अल्लाह के मकबूल होते हैं उनकी नजरें दूर तक होती हैं उनकी नजरें तो लाहे महफूज तक होती हैं दोस्तों लाह महफूज तक अल्लाह के वलियों की नजरें होती हैं पैशनी पर नजर पड़ी समझ लिया कि यह बेचारा शक्की और बदबक है दीन की खिदमत कर रहा है कुरान पढ़ा रहा है इल्म दीन पढ़ा रहा है मस्जिद में नमाजें पढ़ा रहे हैं जमाते करा रहा है लेकिन क्या है शक्की बदबक है अल्लाह तला महफूज रखे अल्लाह तला ईमान नसीब करे लड़कों ने अर्ज किया हजूर आप मकबूल बारगा इलाही हैं आप अल्लाह के वली हैं आप मकबूल बारगा इलाही हैं अल्लाह तला की बारगाह में दुआ कीजिए कि हमारे उस्ताद की शिकावत शहादत में बदल जाए बच्चों ने अर्ज किया अपने वाले से चनाच ऐसा ही हुआ कि अल्फ़े सानी के हाथ उठ गए या अल्लाह उसकी बदब्ती सादत में बदल दे फिर उसकी पैशनी पर जब नजर पड़ी तो उसके पैशनी में लिखा हुआ कि शादतमंद आदमी है नेक आदमी है परहेजगार आदमी है और ये नतीजा जद अल्फसानी रहमतल की दुआ से पैदा हुआ तो दोस्तों मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गलाम अक्सर इस तरह के हजारों नहीं लाखों वाकयात हैं कि जब जबिया अल्लाह के दुआओं का ये आलम है तो अम्बिया के दुआओं की क्या शान होगी भाई और दोस्तों आप हजरत खलील की दुआ का ही इंतीजा देखें और अम्बिया की दुआ का हजरत आला हजरत फाजल ब्रेल भी फरमाते हैं एजाबत ने जुक कर गले से लगाया इबादत ने एजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी शान से जो दुआए मोहम्मद तो भाई और दोस्तों रजीजो ये बीच में दुआ के मतलब कुछ बातें आ गई लेकिन ये जरूरी हैं आज बदकिस्मती से दुनिया में ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं जो कहते हैं नमाज जनाजे के दुआ बाद दुआ की जरूरत नहीं फुला टाइम दुआ की जरूरत नहीं भाई और दोस्तों रजीजो दुआ इबादत का मगज है नमाज पढ़ी जाए तो अल्लाह से मांगा करो इबादत की जाए तो अल्लाह से मांगा करो जिक्रह की महफल हो तो अल्लाह से मांगा करो जनाज नमाज जनाजा पढ़कर मैय के लिए मफरत की दुआ मांगा करो अखल इबादा दुआ इबादत का मगज है और अल्लाह को दुआ बहुत प्यारी है जब इंसान आज जी से सर झुका कर अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह मेरी मकफरत फरमा मेरा फलां भाई बाप बेटा या जो भी मुसलमान इस दुनिया से गुजर चुका है या अल्लाह इसकी बख्श फरमा इसमें कोई हर्ज नहीं उसकी मकफरत मांगने के लिए कोई हर्ज नहीं बल्कि सुब है और अल्लाह दुआए कबूल करता है फिर नदीस में भी तो आता है जिंदों का स्वाह मुर्दों को पहाड़ों की मिसल पहुँचता है आप थोड़ा सा अहतमाम करके जब मुर्दों के लिए आप दुआएं मख्ज करते हैं तो अल्लाह पहाड़ों की मिसल अल्लाह उसे तोहफा पहुँचाता है तो अल्लाह इज़्ज़त हमें दुआएं करने की तोहफी कथा फरमाए दुआएं तो हम अल्लाह से मांगते हैं ना तो अल्लाह से दुआ मांगना माना नहीं होता है भाइयों दोस्तों रजीजो थोड़ा कुछ समझा करो सोचा करो तो भाईओ दो, दोस्तों रजीजो मुख्तसर सा खाना और पानी कब तक रहता खत्म हो गया तोशा खत्म हो गया हजरत हाजरा के पास जो तोशा था थोड़ा मुख्तसर सा खाना था पानी था वो खत्म हो गया हजरत हाजरा ने बच्चे को प्यार से देखा तो जी भर हाया बच्चे की प्यास देखी ना गई करीब एक पहाड़ी पर गई ताकि कहीं पानी मिल जाए पानी की तलाश में एक पहाड़ी पर गई कि कहीं पानी मिल जाए पानी नजर आ जाए मगर बेसूद पानी नजर नहीं आया पानी वहां था ही नहीं तो नजर के कैसे आता फिर वापस बच्चे के पास आई तो बच्चे को प्यास की शिद्दत है फिर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ गई दौड़ी दूसरी पहाड़ी की तरफ मगर वहां भी मकसद हासिल ना हुआ ये दोनों पहाड़ियां जिन्हें सफा व मरवा कहा जाता है इनके दरमियान हजरत हजरत हाजर रजील तनहा सात मरतबा दौड़ी कभी इस पहाड़ी पर कभी इस पहाड़ी पर कभी सफा पर कभी मरवा पर पानी की तलाश में कभी इधर दौड़ती हैं कभी उधर दौड़ती हैं खुद भी भूख से से निडाल है और भूख इतनी है कि दूध भी खुश्क हो गया बच्चा भूख से निडाल है प्यास से निडाल है बच्चे की प्यास देखी ना गई कभी इधर दौड़ती है कभी उधर दौड़ती हैं तो सात मरतबा दौड़ी आखिरी मरतबा जब बच्चे के पास आई हाँ, तो अजीब मंजर देखा भाइयों दोस्तों रजीजो अजीब मंजर देखा जहां उसकी एड़ियाँ थी सैदा इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़िया थीं, वहां पर पानी का एक साफ व शफाफ चश्मा जारी हो गया अल्लाह ने जारी किया ना साफ व शफाफ चश्मा अल्लाह ने जारी कर दिया उस पानी के अचानक जाहिर होने से हजरत हाजरा रजियाल्लाह तलाहा की खुशी की इंतगा न रही बहुत खुश हो गई हजरत हाजरा रजियाल्लाह तहा फ़ौर अल्लाह तआला का शुक्र बजा लईं सयदाई शुक्र बजा लाया अल्लाह का शुक्र बजा आईं फिर ख्याल आया कि इस बढ़ते हुए पानी को रोकना चाहिए हजरत हाजरा तला को ख्याल आया कि पानी आगे बढ़ रहा है इस पानी को रोकना चाहिए चनाच हज़रत हाजरा ने इसके इर्द गिर्द रुकावट बनाई कुछ पत्थर जमा किए और पत्थर लगाने शुरू किए कुछ रेत आगे लगाया मट्टी लगाई और हजरत हाजरा उस पानी की को रुकावटें लगा रही थी रोक रही थी और जुबान से कह रही थी जमजम ठहर जम, है पानी ठहर यही आबे जमजम जम है कि दुनिया के करोड़ों इंसान बतौर और तब्बर रख पीते हैं और ले जाते हैं और पानी निकालने के लिए ट्यूब वेल लगा हुआ है और पानी पीने वालों का इतना हुजूम है कि बारी नहीं आती मगर उस मतबरक चश्मा से कभी मुबारक पानी खत्म नहीं हुआ इतना वैसी पानी है हजूर सैद आलम सल्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर हजरा रजी अल्लाह अनहा इस पानी को जम जम ना कहती तो यह पानी सारी कायनात की हर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी होता तो यह पानी सारी कायनात की हर जरूरत पूरी करने के लिए काफी होता यानी इतना बड़ा चश्मा निकल गया था और यह पूरी दुनिया में फैल जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लेकिन यह हजरत हाजरा रजी अल्लाह तन ने जो जम जम कह दिया वही मकैद होकर रह गया फिर पानी वहां रुक गया लेकिन ये पानी सारी दुनिया में जाता है मैं जब उम्र के लिए गया तो हरम के एरिए में तो आब जमजम वाफर मकदार में मिलता है और जब मैं मस्जिद नब्बी में गया तो मैंने देखा कि वहाँ भी आब जमज़म है वहाँ तक भी लाइन पहुँचा दी गई है तो प्यारे भाई और दोस्तों मदीना में भी आबे जमजम मिलता है मक्के में भी आबे जमजम और पूरी दुनिया के जितने हाजी आते हैं जो उम्र करने वाले आते हैं सारी दुनिया के हाजी और उम्र करने वाले लोग सारी दुनिया में वो पानी आब जमजम जाता है और वाफर और मकदार में लेके जाते लेकिन उस चश्मे में कोई कमी वाकई नहीं हुई वाफर मकदार में पानी मौजूद है, है। मदीना वाले भी आब जमजम पी रहे हैं और मक्के वाले भी आबे जमजम पी रहे हैं पी रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये आबे जमजम फैला हुआ है उसकी इतनी बरकतें हैं और ये आब जमजम हर इंसान के लिए शफा की हैसियत रखता है इसीलिए खड़े होकर पीने का हुक्म है कि ताकि वह पानी पैरों की एडियों तक चले जाए ताकि इंसान के जिसम में जितनी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाए तो प्यारे भाइयों और दोस्तों रजीज फिर अल्लाह ताला ने तो ये हजरत हाजरा रजी अल्लाह तर इन पहाड़ियों पर सात मरतबा दौड़ी पानी की तलाश में तो फिर अल्लाह तला ने इन पहाड़ियों का शायर ला यानी अपनी निशानियां करार दे दिया पहाड़ी थे पत्थर थे एक आम पत्थर थे सफा मरवा एक पत्थर थे लेकिन सफा मरवा पर हजरत सैयद हाजरा रजी अल्लाह तहा पैर लग गए पाँव लग गए उनके पाँव लगने की वजह से उन पहाड़ियों को अल्लाह तला ने शाह कहा कि ये मेरी निशानियां है जिस पत्थर पर जिस अल्लाह वाले के पाँव लग जाए वो अल्लाह की निशानी हो जाती है दोस्तों अजीज और भाइयों और ये समझने की कोशिश करो और कुरान में रब्बुल इज़्ज़त ने उन पहाड़ियों का जिक्र फरमाया फरमाया इन सफाता आवे तमरा फला जुनाह अलही तो वन तवा खैरन फइनल्लाह शाकिर अली शायर इल्लाह यानी अल्लाह की निशानियां उनकी ताजीम का हुक्म अल्लाह ताला ने दूसरी आयत को करीमा में फरमाता है औरشاد फरमाता है वाम युअजिम शायर इल्लाह फइन्ना हम मिन तकवल कुलू जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं आज हाजियों का वहां इस तरह दो न हाजरा की याद है हजरत हाजरा की याद है उन पहाड़ियों के दरमियान जो हाजी सही करते हैं ये हजरत हाजरा की याद है तो आब जमजम बहने लगा तो दूर दूर से जंगल के परिंदे इस पर मुंडलाने लगे जब आब जमजम निकल गया पानी वहां निकल गया तो दूर दूर से परिंदे वहाँ मुडलाने लगे उधर से एक काफले का गुजर हुआ और ये लोग बनी कबीला बनी जरहम से तल्लक रखते थे कबीला बनी जरहम से तल्लक रखते थे तो परिंदों को देखकर समझा कि यहाँ कोई यकीनन चश्मा फूट पड़ा है फूट निकला है जब करीब आए तो देखा कि एक औरत है और उसकी गोद में एक बच्चा है वो जंगल बच्चा औरत और चश्मा देखकर शस्तर रह गए हैरान हो गए तो गैब से आवाज आई गैब से आवाजें आने लगी गैब से आवाज आई नींदा आई अजर हम के बच्चों बाद गर्दो अदब की है जगह बूढ़ो जवानो औरतों और मर्दो ये औरत तो और इसकी गोद में जो बच्चा लेटा है ये पैगंबर की बीवी है वो पैगंबर का बच्चा है वो पगंबर का बेटा है ये काफिला हजरत हाजरा से इजाजत लेकर वही मुकीम हो गया तो भाई और दोस्तों अजीजो हजरत अलैहिस्सलाम जब हद के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से आपकी कुर्बानी तलब कर ली देखो इम्तहान आपकी कुर्बानी तलब कर ली तीन दिन मुसलसल ख्वाब आते रहे तीसरी सुबह आपने हजरत हजरत से कहा कि मैं और मेरा बेटा एक दावत में जा रहे हैं लिहाजा आप इसे तैयार करें हजरत हाजरा ने इसमाइल अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छा लिबास पहनाया और तैयार कर दिया आपने छुरी और रस्सी ली और जंगल की तरफ चल काबा शरीफ से कुछ दूर पहुंचे तो शैतान ने आपको इस कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले हजरत हाजरा के पास गया और कहा कि आपको इलम है कि इब्राहिम इस्माईल को कहाँ ले गए हैं हजरत हाजरा ने कहा हाँ एक दावत में गए हैं शैतान ने कहा नहीं इब्राहिम इस्माईल असलाम को जबा करने के लिए ले गए हैं आपको इलम नहीं हजरत हाजरा ने कहा यह कैसे हो सकता है क्या बाप भी अपने बेटे को जबा कर सकता है शैतान ने कहा इब्राहिम का ख्याल है कि उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मेरी राह में अपने बेटे इस्माइल को जबा करो ये उनका ख्याल है ने कहा अगर यह परवदेगार का हुक्म है तो मैं कान होती हूं जो इस कुर्बानी के राह में रुकावट मानू अल्लाह के हुक्म पर एक सौ इस्माइल हो तो एक एक करके कुर्बान करती चली जाऊं शैतान लाइन वो तो एक ही इस्माइल है अगर ये अल्लाह का हुक्म है कि इसको मेरी राह में तुम कुर्बान करो उसका बाप अल्लाह के हुक्म के लिए लेके गया है तो मैं कौन होती हूं कि उसकी राह रा में रुकावट पाऊं वो तो एक इस्माइल है अगर एक सौ इस्माइल हो तो मैं चाहती हूं कि एक एक करके अल्लाह की राह पर, पर कुर्बान करती चली जाऊं जब शैतान यहां से मायूस हुआ तो फिर हज़रत इस्माइल आसलम को वर्गलाना चाहा तो करीब जाकर कहने लगा तुझे तेरे वाल ब करने के लिए लेके जा रहे हैं हज़रत इसमा सलाम ने फ़रमाया क्यों शैतान ने कहा वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है इसलम ने फ़रमाया अगर ये अल्लाह ताला मेरी जान की कुर्बानी कबूल फ़रमाते हैं फरमा ले तो मैं यही कहूँगा जान दी दी हुई उसी की थी हक हाँ तो ये है कि हक हाँ अदा ना हुआ यह हजरत इसमा स्ल्म का शैतान का जवाब था इससे बढ़कर वो क्या सादत हो सकती है कि शैतान ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इब्राहिम आसलाम इस कुर्बानी से रुक जाएं मगर अल्लाह के खलील के अज़म के सामने बेबस हो गया एक पहाड़ के करीब ले जाकर हज़रत इब्राहिम आसलम ने हज़रत इसमाइल आलाम से कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल्म नामी अन्नी अजबाह का फंजुर मजा तरा ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे जबा कर रहा हूं बता तेरी रजा क्या है बता तेरी मर्जी क्या है सादतमंद बेटे ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबुल है हज़रत इसमाई साम ने अर्ज़ किया या अब तफ़ मारोसतनी इनशा सा अबा जान आपको जो हुक्म मिला है बिलाफ व पूरा फरमाइए मुझे आप इनशल्ला सब्र करने वाला पाएंगे आप इस आजज को साबर पाओगे सुरखरू रू खदा तुम जाओगे डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं ये ने नजर था या के मकतब की करामत थी ये ने नजर था या मकतब की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जन दी अब फिर इसमाइल ने अब फिर इब्राहिम इबलीस ने कोशिश शुरू की कि हज़रत इब्राहिम को कहने लगा कि आप गजब कर रहे हैं आप एक ख्वाब को आपने एक ख्वाब को हकीकत समझ लिया है और बेटे को जबा करने पर तैयार हो गए आपने फरमाया मुझ पर तेरा दाव नहीं चल सकता मेरा ख्वाब शैतानी नहीं रहमानी है नबी की खो, नबी का ख्वाब वही इलाही होता है मैं अल्लाह के हुक्म से हरगिज़ नहीं मुंह मोड़ूँगा शैतान ने हर तरफ से मायूस होकर सर पीट लिया है अब क्या होगा जब बाप और बेटा दोनों रजाए इलाही पर राज़ी हो गए तो बाप ने बेटे को ज़मीन पर जबीन के बल लेटा दिया क़ुरान करीम का इरशाद है फलम असलम वाह जबीन जब दोनों तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पैशानी के बल्ले लेटा दिया छुरी चलाने से पहले इस बेटे ने कहा अब्बा जान मेरी तीन बातें कबूल फरमाए पहली ये कि मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दें। ताकि तड़पने से खून का कोई छींटा आपके लिबास न पड़ जाए अल्लाह अकबर दूसरी ये के अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए कहीं ऐसा ना हो के हाथ मेरी मोहब्बत की वजह से रुक जाए और तीसरी ये कि मेरा ये कुर्ता मेरी वालदा के पास पहुंचा दीजिए वो इसे देख कर अपने दिल को तसली दे लिया करेंगी बाप ने बेटे के गले पर छुरी रख दी तस्लीम और रज़ा का ये मंज़र आज तक चश्मे फलक ने नहीं देखा होगा तेज़ छुरी इसमा सलाम के गले पर पहुँच कर कुंद हो गई दो मरतबा ऐसा ही हुआ इब्राहिम आल्लाम ने इसे एक पत्थर पर दे मारा पत्थर को छुरी ने दो टुकड़े कर दिया इब्राहिम आई ने छ्री से कहा तूने पत्थर जैसी सख्त चीज़ को दोड़ टुकड़े कर दिया मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला रेशम से भी नरम था चुरी ने कहा अल या मुरूनी बिलकत इवल जलील अनहानी खलील कहता है कि काट मगर जलील कहता है खबरदार इस्माइल अलैहिस्सलाम का बाल भी बीका किया जब खलील खुद जलील का हुक्म मान कर लेटाए बैठा है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कुर्बान करने के लिए और मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है तो तू क्यों रुकावट बनती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी उठाई छुरी के अलैहिस्सलाम के गले पर पहुँचने से पहले जन्नत से अजल अलैहिस्सलाम मेंढा ले आए इसको नीचे रख दिया और हजरत इसमाइल अलैहिस्सलाम को उठा लिया मेंढा जबा हो गया तो आवाज आई व ना दई अय्या होया कद सदक तर इन्ना कजाल नजिल मोहसिन इन्ना हाजला उलमुबीन व फतना हु नाजीम व तरक नही फिल आखिरी और हमने पकारा ए इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया हम नेकों को यूं ही जजा देते हैं बेशक ये साफ़ आजमायश है हमने इसका फिदिया ज़ब अजीम के साथ कर दिया है और इसे बाद वालों के लिए बाकी रखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली और, और इससे यादगार के तौर पर क़यामत तक के लिए बाकी रखा और अब हर साल इस याद को ताज़ा किया जाता है तो मेरे भाई और दोस्तों लजीज़ों काफ़ी टाइम हो गया है तो इन श्लज़ इससे अगले जो बातें हैं अगले जुम्मे को बयान की जाएंगी अल्लाह रब्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब रब्ज़त हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तोफ़ी नसीब फरमाए और खुश दिली से अल्लाह के रजा और ख़ुशनुदी के लिए हमें कुर्बानियाँ करने की तोफ़ी नसीब फरमाए तो कुर्बानी के जो मसाइल हैं कुर्बानी के जो मसले मसाइल हैं इन ईद वाले दिन में आपको ईद वाले दिन आप जल्दी आ जाइएगा सात बजे ईद का टाइम है तो इन आप जल्दी आ जाइएगा तो छः बीस या छवा छः बजे से मैं इन शह अपना ख़ुबा स्टार्ट करूँगा और जो मसाइल कुर्बानी हैं इन जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपके सामने बयान करूँगा और ताकि आपके पल्ले भी कुछ पड़ जाए और मैं भी कुछ बयान कर सकूँ इसलिए आप लोग जल्दी आ जाइएगा माँ अलैन अलबालाक सुनते हैं कर कर